अपना बफर टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 5 से 7 दिन तक मेरा टारगेट है कि अगर 5 से 7 दिन तक मुझे कोई भी हेल्प ना मिले तो ये जो चैलेंज था ये ख़त्म हो जाएगा, कि यानी कि मिशन इनकम्प्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल सर थैंक यू। तो जो 20 रुपये मेरे पास है उससे हम खरीदेंगे 2 पानी का बोतल। ये बोतल जो है इसको मैं सेल करूँगा और देखूँगा कि इस बोतल से मैं कितना कमा पाऊँ अपने राइड के लिए। So, bye लोगों, bye लोगों, bye लोगों, तो कैसे हो सब आप लोग। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं केरला की तरफ आ रहा था और आज मैं केरला पहुंच गया, यानी कि ऑल इंडिया राइड विदाउट मनी का ये है 9 नंबर स्टेट जहाँ पे मैं पहुंच गया। तो इससे पहले वाला वीडियो जो था वो बंगाली में था, तो अगर आप लोगों को बंगाली समझ में आता है तो वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं केरला तो पहुंच गया और केरला से मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिला, यानी कि लोगों से बोलो या फिर रहने का बोलो, खाने का बोलो, कुछ भी हेल्प नहीं मिला। यानी कि जो मेरा टारगेट था यानी कि इस राइड के लिए, वो आज हुआ मेरे साथ। यानी कि मैं सोच के आया था कि ऐसा ही होने वाला है और इतना दिन तक नहीं हुआ, पर आज वो हुआ है भाई। थोड़ा सा मज़ा तो आ ही रहा है क्योंकि यही मैंने सोच के आया था कि लोग मदद नहीं करेगा और ऐसा ही चलता रहेगा, उसका ही स्ट्रगल वाला वीडियो बनाएंगे, पर हो गया कुछ उल्टा, यानी कि मदद मिलने लगा और मैं पहुंच गया 9 स्टेट पे। तो इसलिए आज थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है, क्योंकि तो मेरे पास बस 750 रुपया था, तो 750 का पेट्रोल मैंने डलवा दिया है। मैं जा रहा हूँ अभी गोवा के तरफ। अभी ये 750 का पेट्रोल जैसे ही ख़त्म हो जाएगा बस अपना बफर टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 5 से 7 दिन तक मेरा टारगेट है कि अगर 5 से 7 दिन तक मुझे कोई भी हेल्प ना मिले तो ये जो चैलेंज था ये ख़त्म हो जाएगा, कि यानी कि मिशन इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो जो भी हो भाई, अभी आ रहा है इस राइड का असली मज़ा। आज मैंने 2 होटल और 1 लॉज को अप्रोच किया था पर कोई हेल्प नहीं मिला। वो होटल वाले मांगे मुझसे 1300 रुपया करके, और जो कि मेरे पास है नहीं 1300 रुपया, और लॉज वाला ने मांगा मुझे 1100 मांगा था, तो 1000 तक वो बोला कि हम कर देंगे, पर 1000 रुपया भी मेरे पास नहीं है। तो लॉज होटल ये सब छोड़ दो, ये हेल्प मांगते हुए ना मैं वीडियो ठीक से बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि देखो एक हाथ में बोर्ड रहता है ठीक है, और एक हाथ में मेरा मोबाइल रहता है, तो अगर मोबाइल से ऐसे पकड़ के उनसे बात करता रहूँ ना, बात करने में टाइम लगता है, तो बहुत टाइम जाता है और उतना देर मोबाइल ऐसे पकड़ के रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए अब तक क्या करता था कि जैसे ही लोग रुके, बात किए, जब हेल्प कर रहा है उसका ही मैं फोटेज डालता था, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, जो कि मैं एडिटिंग के बाद देख रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ डिटेल बनाना पड़ेगा और भी। तो अभी चलते हैं गोवा के तरफ। गोवा यहाँ से 348 किलोमीटर है, जो कि मुझे मैप दिखा रहा है 7 घंटा लगेगा। सर हेलो, सर एक फ़ोटो खींच सकते हैं? एक फ़ोटो बस, मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ बाइक से, तो एक बाइक लेके आप लोगों के साथ एक फ़ोटो हो जाए 15 अगस्त के लिए। ओके थैंक यू। अभी कोलकाता, कोलकाता में बारासाते থাকি, আমি ভারত যাত্রা করছি, আমার ফিরোনিকা উইথ ইন্ডিয়ান আর্মি। আপ আ যা ইধার, উসকো দে দেনা, আ যা ইধার। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইধার ইধার, থ্যাংক ইউ। হেলমেট নিকাল দে, নি হেলমেট হাত মে পকড় দো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ অল স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you so much. Okay, best of luck for journey. अभी 9 स्टेट कंप्लीट हुआ, अभी 9 स्टेट हुआ, बाकी 28 पे मैं जाने वाला हूँ। मेदिनीपुर, मेदिनीपुर, चलो तो बांग्ला जानो। अभी बारासात तक है। ओके, थैंक यू। कितना स्टेट कंप्लीट हो गया? 9 स्टेट हुआ। बिहार गए थे? हाँ, बिहार गए थे, बोध गया गए थे। हमारा डीएस मोटो एडवेंचर,
बक्सर घुमा बक्सर जाएंगे फिर कभी। और भैया सोच रहे थे कि भाई टेंट लगाए, पर बादलों का हालत देख के मुझे लग नहीं रहा है कि टेंट में लगा पाऊंगा यार ये झमेला। भाई अपना बाइक का चेन पूरा ड्राई हो गया लग रहा है, इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देते हैं। आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि लुब्रिकेट कैसे करता हूँ ये पूरा सामान रहने के बावजूद भी। इसको खोल दिया, स्प्रे किया ऐसे, बस इतना किया। अब यहाँ पे आओ और पहिया को पकड़ के घुमा दो ऐसे। बस हो गया ऐसे करते करते। तो इस लॉज पे मैं आया हूँ अभी, तो बात किया तो बोला सब कुछ, तो अंदर गया है बात करने के लिए, शायद ओनर से बात करेगा, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा, चलो नहीं होगा। लग रहा है कि पीछे वाला बैक लाइट जल नहीं रहा है। हाँ भाई पीछे वाला बैक लाइट जल भी नहीं रहा है और इंडिकेटर का हालत देखो क्या हो गया। लेफ्ट साइड का भी इंडिकेटर खराब हो गया। भाई कुछ भी करके रुकने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखते हैं और दो चार होटल को पूछ लेते हैं एक बार। तो कल रात मेरा इस होटल पे बंदोबस्त हो गया था और इस होटल का नाम है पाकशाला। थैंक यू पाकशाला। अरे यार कल रात बारिश हुआ था, देखो पूरा भीग गया बाग। तो कल रात को मैंने कुछ खाया नहीं, मतलब खाने का सामान वाला जो बैग है उसको मैं लेके नहीं गया और रूम में खाना वाना नहीं बनाया। बस टैंक बैग में दो पैकेट बिस्किट था तो उसी से काम चला लिया अपना। अभी सुबह को लग रहा है बहुत तेज भूख। ओ भाई साहब सुबह सुबह ऐसा नज़ारा किसको अच्छा नहीं लगता है, देखो भाई लोग वाह। तो चलो यहाँ से हमने कुछ फ़ोटो खींच लिया है, तो ये सब फ़ोटो आप लोगों को देखने को मिलेगा अपने इंस्टा और फेसबुक पे। अभी थोड़ी देर पहले समुंदर पार थे और देखो अभी पहाड़ी में आ गए। तो अभी मैं अपना मोबाइल का चार्जर निकाल रहा था और अपने जैकेट के पॉकेट से मिला ये 20 रुपया। और इस 20 रुपये का भी एक हिस्ट्री है, ये मेरे पास अब तक है क्योंकि इसमें देखो दाग लगा हुआ है, तो इसलिए ना ये वाला नोट कोई ले नहीं रहा था, तो इसलिए अभी तक मेरे पास है। तो इसके बारे में मैं भूल ही गया था पर जैकेट के पॉकेट में ये था। तो जो भी हो भाई अभी अपने पास 20 रुपया आ गया है, वो भी ना चलने वाला। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि इसको मैं चला पाता हूँ कि नहीं और कुछ खाने का बंदोबस्त कर पाता हूँ कि नहीं। तो चलो देखते हैं, या फिर और एक तरकीब है ट्राई करके देखते हैं। चलो बाद में बताता हूँ तरकीब, पहले चलते हैं। तो जो 20 रुपया मेरे पास है उससे हम खरीदेंगे 2 पानी का बोतल। भाई पानी का बोतल है? हाँ 2 पानी का बोतल दीजिए ना। नहीं नहीं नॉर्मल नॉर्मल चाहिए, 10 रुपये वाला दो दीजिए। नहीं चलेगा ये भी तो लोगों ने ही दिया थे। दूसरा तो नहीं है। दो पानी का बोतल दो। हाँ दो 10 रुपये करके ना। हाँ। ओके तो चलो हमें मिल गया है 2 पानी का बोतल। अभी केरला साइड से गोवा की तरफ जा रहा हूँ, अभी गोवा जाएंगे तो 10 स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 10 स्टेट हो जाएगा। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा लोकलिटी देख के हम रुकेंगे और वहाँ पे हम जाके इस बोतल को सेल करेंगे। अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं और देखते हैं लोगों से मदद मिलता है कि नहीं। और आज थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं बिजनेस करने वाला हूँ। ये बोतल जो है इसको मैं सेल करूँगा और देखूँगा कि इस बोतल से मैं कितना कमा पाऊँ अपने राइड के लिए। हेलो हाय
यात्रा कर रहा हूँ, भारत यात्रा बाइक से, वो भी विदाउट मनी। तो ये पूरा यात्रा जो है लोगों के हेल्प से हो रहा है, तो जितना लोग हेल्प कर रहा है उतना मैं आगे जा रहा हूँ। तो अभी मैं फंड कलेक्ट करने के लिए ये बोतल सेल कर रहा हूँ। हाँ, इस बोतल का कोई प्राइस मैंने नहीं रखा है, तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो कुछ भी दे सकते हो। तो आप खरीदना चाहते हैं इसको? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर, टेक दिस। ओके, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो दूसरा वाला बोतल जो था उसका मुझे मिला 50 रुपया, यानी कि दो बोतल से मुझे 60 रुपया मिला। तो थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। तो यहाँ से मैंने 5 बोतल खरीद लिया है, तो चलो अभी 50 रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया, अब देखते हैं इस 50 रुपया से कितना हम बना पाते हैं। इसका कोई मैंने प्राइस नहीं रखा हुआ है, तो आप जो भी चाहे इसका प्राइस दे सकते हो। ओके, तो ये भाई इस बोतल को 100 रुपया में खरीद लिया है। ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एंड योर नेम? मनी, मनी, मनी राज, मनी राज। ओके, राइट सेफली। ओके, ओके ब्रदर। तो अभी भी मेरे पास 4 बोतल है, तो ये 4 बोतल को भी मुझे सेल करना पड़ेगा, और देखते हैं इन 4 बोतल का कीमत मुझे क्या मिलता है। ओके ओके, तो चलो भाई ने ऑफर किया मुझे, चलो तुम्हें खाना खिलाते हैं, तो चलते हैं। और भाई तुम्हारा नाम? तुलसीदास। तुलसी दास? तुलसीदास, तो मैं भी दास, सनत दास, दोनों एक ही मिल गए। तो चलो भाई अभी भाई के तरफ से खाना खा लेते हैं, बहुत तेज भूख भी लग गया है मुझे। तो ये भाई के साथ अभी मैं खाने के लिए आ गया हूँ। और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस भाई का भी एक छोटा सा YouTube चैनल है जहाँ पे ये यूनिक टाइप का वीडियो बनाता है। तो भाई तुम्हारा चैनल का नाम? एम्प्टी जंक्शन। तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी छोटा है, पता नहीं बाद में जाके कितना बड़ा चैनल हो जाए। तो आप लोगों का सपोर्ट अगर रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, तो मेरे तरफ से भाई को सपोर्ट कर दो। तो चलो भाई लोग अभी नाश्ता तो अपना हो गया है, और बढ़ते हैं आगे के तरफ। तो 5 बोतल में से अभी भी मेरे पास 3 बोतल है, और 1 बोतल के बदले खाना भी मिल गया, और 1 बोतल के बदले मुझे 100 रुपये भी मिल गया। तो 20 रुपया देके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी मेरे पास 110 रुपया कैश है और 3 बोतल पानी है। तो अभी यहाँ पे रुकेंगे नहीं, थोड़ा सा भगा लेते हैं, क्योंकि जितना मैं रुकूंगा उतना ही ज़्यादा मुझे लेट हो जाएगा। ये दोनों बैटरी चार्ज पे बिठा दिया था, पर अभी एक बैटरी खोल के हमने GoPro में लगा दिया है, और वो भी इसके लिए। ये देखो टनल, इस टनल का नाम क्या है ये देखना पड़ेगा। ओ भाई साहब, यार क्या मस्त लग रहा है। भाई यहाँ पे तो एक फोटो तो बनता ही है, एक फोटो क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे रुक के।